नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, यूपीएससी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ छपी हुई है। यूपीएससी के जो चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसी के रिगार्डिंग है कि यूपीएससी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके बाद प्रीलिम देने नहीं जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है, 600 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो बहुत सारा ऐसा प्रोसेस, रिगरस प्रोसेस है जिसके कारण बच्चे डिमोलाइज हो जाते हैं या जो भी होता है कि एक लास्ट स्टेप में जाके उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इतना प्रिपेयर करने के बाद, इतना स्टडी करने के बाद एक इंटरव्यू के कारण अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इससे निजात पाने के लिए यूपीएससी का चेयरपर्सन जो सक्सेना साहब हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, एक गवर्नमेंट को सजेशन दिया है ताकि जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो जाता है, मेंस के आधार पे उनको नौकरियां दी जाए। इंटरव्यू क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, उनको आईएएस लेवल का जो भी पोस्ट होगा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट होगा, वो मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, मेंस क्लियर आपने कर रखा है, तो उसके आधार पे भी आपको कुछ सर्विसेज अलॉट किए जाएंगे या कुछ जो जॉब है वो आपको दिए जा सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक सजेशन गवर्नमेंट को दिया है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये इंग्लिश में छपा हुआ है, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सुन, आईएएस एस्पिरेंट नॉट एबल टू क्लियर इंटरव्यू स्टेज कुड गेट अदर सेंट्रल जॉब, यूपीएससी रिकमेंड्स प्रपोजल। यानी कि अगर यूपीएससी का इंटरव्यू आप नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी आपको एक जॉब मिलेगी। आगे इन्होंने लिखा है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज़ रिकमेंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स मिनिस्ट्री टू रिक्रूट फ्रॉम द कैंडिडेट हु रीच द इंटरव्यू स्टेज ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम बट फेल टू क्लियर इट। बी हैव प्रपोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु मेक इट टू इंटरव्यू स्टेज इन सिविल सर्विसेज एंड अदर एग्जाम बट फेल टू गेट पिकअप। यूपीएससी चेयरमैन अरविंद सक्सेना वाज कोटेड इन रिपोर्ट एज सेइंग, सक्सेना वाज स्पीकिंग ऑन सेड लाइन ऑफ द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन ओडिशा। एवरी ईयर एज मेनी एज 11 लाख कैंडिडेट रिपोर्टेडली अप्लाई फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। हाफ ऑफ दिस कैंडिडेट अपीयर फॉर प्रिलिमिनरी एंड सब्सिक्वेंटली देयर नंबर ड्विंडल्स थ्रू द एग्जाम स्टेजेस एंड इवेंचुअली ओनली 600 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। कह रहा है कि 11 लाख प्रत्येक साल अप्लाई करते हैं, उसमें आधा ही पहले तो प्री में जाते हैं एग्जाम देने, उसके बाद 600 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के बाद। तो यानी कि ये काफ़ी रिगरस प्रोसेस है, यानी कि एकदम से आप कह सकते हैं काफ़ी एकदम से कठोर प्रोसेस है। गवर्नमेंट कैन कंसिडर रिक्रूटिंग फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु वेंट थ्रू द रिगरस स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड फेल्ड ओनली एट द लास्ट स्टेज। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस अमॉन्ग द यूथ, सक्सेना सेड। कि सक्सेना साहब कह रहे हैं कि जो स्ट्रेस आ जाता है यूथ में, जो नवयुवक में स्ट्रेस आ जाते हैं नहीं सिलेक्शन होने की वजह से, आप इंटरव्यू तक चले जाते हैं नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप इंटरव्यू में नहीं भी सिलेक्ट होते हैं, तो अगर आपको जॉब दिया जाए तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। अगे इन्होंने लिखा है, ही ऑल्सो सेड दैट द यूपीएससी इज टेकिंग अ स्टेप टू मेक द एग्जामिनेशन प्रोसेस मोर कैंडिडेट फ्रेंडली। वेन ए कैंडिडेट अप्लाइज फॉर द एग्जाम ऑनलाइन, ए रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड फॉर द एप्लीकेशन एट दिस स्टेज। बी विल गिव कैंडिडेट एन ऑप्शन टू स्टेप डाउन एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेड सक्सेना व्हाइल एडिंग दैट दिस विल बी डन प्योरली ऑन वॉलंटरी बेसिस। टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनका इंटरव्यू में नहीं निकल पाता है। होता ना कि हम अगर हम पैनल के सामने जाते हैं तो थोड़ा क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग बैठे हैं तो थोड़ा एकदम से हेजिटेशन हो जाती है, हम फेस नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ें हिंदी माध्यम वाले बच्चे के साथ ज़्यादा होती है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं वो तो एकदम से काफ़ी बोल्ड होते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मतलब कि गाँव से निकले हुए रहते हैं, तो अब उतने बड़े बड़े पैनल के सामने जाते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन आ जाती है, बात करने में हेजिटेशन आ जाती है। तो उन सभी के लिए तो ये अच्छी खबर है
कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकलता है फिर भी आपको एक जॉब सिक्योर कर देगा अगर आप मेंस निकालते हैं। ये अभी यूपीएससी के लिए है, अगर ये यूपीएससी लागू करता है तो ऑब्वियस है कि यूपीएससी को ही फॉलो करता स्टेट पीसीएस, तो स्टेट पीसीएस भी इसको फॉलो करना चालू कर देगा। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल लेवल का पीसीएस हो या स्टेट लेवल का पीसीएस हो, सभी में आईएएस हो या पीसीएस हो, सभी में ये चीज़ें आपके अप्लाई हो जाएंगे। अगर सरकार सक्सेना साहब के रिकमेंडेशन को मानती है तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। तो ये एक न्यूज़ थी जो कि यूपीएससी कैंडिडेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो बने रहिए इस तरह के न्यूज़ के लिए हमारे साथ, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।